हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं लक्षद्वीप के समंदर में। ये नीला नीला पानी आप देख रहे होंगे और यहां के बीचेस, यहां की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजें यहां पर आप कर सकते हैं। और खास बात यह है कि यहां पर आपको मालदीव वाली फीलिंग मिलेगी और वो चीजें आप काफी सस्ते में यहां पर कर सकते हैं। आप यहां पर कैसे आ सकते हैं, यहां पर कैसे घूम सकते हैं, कैसे सस्ते में घूम सकते हैं, यहां पर कैसे पहुंचा जा सकता है और भी बहुत सारी छोटी बड़ी हर एक इंफॉर्मेशन, पैकेज की इंफॉर्मेशन, सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो पूरी वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो कि 36 आइलैंड्स का एक ग्रुप है और एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की कैपिटल कवरट्टी है। लक्षद्वीप पहुंचने के दो मोड हैं, पहला बाय फ्लाइट और दूसरा बाय शिप। बाय फ्लाइट जाना चाहते हैं तो केरला के कोच्चि शहर से डायरेक्ट लक्षद्वीप के अगाटी आइलैंड के लिए फ्लाइट 6000 रुपए में मिल जाएगी, जो कि 1 घंटे 20 मिनट में आपको पहुंचा देगी। और अगाटी आइलैंड से बाई बोट कवरट्टी 2000 रुपए देकर पहुंचा जा सकता है। अगर आप बाई शिप कवरट्टी तक जाना चाहते हैं तो कोच्चि से कवरट्टी की शिप अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग 500 रुपए से लेकर 3880 रुपए तक में मिल जाएगी और असली मजा तो यहाँ शिप से जाने में ही है। लक्षद्वीप की ट्रिप के लिए मैंने जहाँ से बुकिंग कराई थी उस ऑफिस में मैं आ गया हूँ। गोल्ड ट्रैवल्स नाम है और ऑफिस में मैं जाता हूँ जल्दी से। I have a booking in the name of Shubham Gupta for the Samudra package. Okay, so I will give the receipt now. Okay, yes. Thank you. तो ये आप देख रहे होंगे मेरा ये receipt voucher है और diamond class में मैंने book कराया हुआ है और बाकी ट्रिप बहुत ही अमेजिंग होने वाली है और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। मैंने गोल्ड ट्रैवल्स से बुक करवाया है जो कि कोच्चि में ही है और आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, कॉन्टैक्ट करके भी आप डिटेल ले सकते हैं और बुक कराना हो तो करा सकते हैं। और बाकी प्राइस भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी और इसको लेके अब बस स्कैनिंग सेंटर पहुँचना है जल्दी से फटाफट। थैंक यू। आप चाहे समुद्रम पैकेज ले या नॉर्मली लक्षद्वीप की किसी भी आइलैंड की टिकट ली है तो आपको कोच्चि के स्कैनिंग सेंटर पर ही पहुंचना पड़ता है, जिसकी लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। साथ ही आइलैंड्स की टिकट ऑनलाइन बुक करने के लिए भी मैंने लिंक दे रखी है। तो टिकट मुझको मिल चुका है, ये आप देख रहे होंगे, ये रहा मेरा टिकट और बोर्डिंग पास भी आप इसे कह सकते हैं। और ये मिला है मुझको यहाँ से, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऑफिस है और यहाँ पे सबसे पहले अभी चूँकि RTPCR रिपोर्ट चाहिए होगी आपको जाने के लिए लक्षद्वीप की, तो 72 आवर्स पहले की, तो वो आपको पहले शो करना होगा, उस पर स्टैम्प लगेगा, देन आपको टिकट दिया जाएगा जो भी आप जैसे भी बुकिंग की है। और ये रहा टिकट और जिस पे सब लिखा होगा आपका क्लास और बर्थ और सारी डिटेल्स इस पर होगी। तो अब यहाँ से इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो होगा सिक्योरिटी चेक इन का, तो मैं उसी की तरफ बढ़ रहा हूँ। स्कैनिंग सेंटर में आपके शिप में बोर्डिंग की तैयारी होती है और सिक्योरिटी चेक इन के बाद आपको शिप तक ले जाया जाता है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं शिप के पास में और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ी सी ये शिप है और अंदर क्या है, कैसा है, क्या क्या खासियत है, हर चीज़ आपको अब पता चलेगी अंदर जाकर।
शिप के अंदर आते ही ठंडक सी फील हुई, क्योंकि पूरी शिप एयर कंडीशन थी और अंदर आते ही आपको गैलरी में कई सारे रूम्स दिखेंगे। सो ये जो फंदा मैंने लटका रखा है, ये है टैग कि मैं टूरिस्ट हूँ। तो अपने केबिन के अंदर मैं अब जा रहा हूँ और ये रहा केबिन मेरा, नंबर है 474। दो पैसेंजर्स अंदर रह सकते हैं और ये बहुत जोर लगाना पड़ रहा है तब ओपन हो रहा है। और सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ये बाथरूम है जो कि आप देख रहे होंगे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और इसके बाद आते हैं अंदर, तो ये रहा मेरा रूम और ये है दो बेड, डॉर्मेट्री टाइप का बेड है और ये स्टेयर्स लगी हुई हैं और जिससे ऊपर जाया जा सकता है। आई थिंक जो सीनियर सिटीजन होंगे उनको थोड़ा चढ़ने में तकलीफ होगी, तो उनके लिए आई थिंक लोअर अलॉट ही करते होंगे। और बाकी इधर आते हैं तो ये आप देख सकते हैं, लाइट्स मैंने अपनी लगा रखी है थोड़ी ज़्यादा होने के लिए। और ये आप जो देख रहे हैं ये है स्पीकर जहाँ पे अनाउंसमेंट होता है, जो भी चीज़ें अपडेट देना होता है वो यहीं से होती है। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे विंडो, हालांकि ये ऐसा ओपन नहीं है कुछ भी। और ये रहा कबर्ड, अब इसमें क्या है देखते हैं, कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। और ऊपर जब जाते हैं तो यहाँ पे है लाइफ जैकेट, ये दोनों पर्सन के लिए है, हालांकि मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो अकेले हूँ। और यहाँ पे आपको ये पानी का कैन भी दिखेगा और जग वगैरह भी दिया गया है, तो अल्टीमेटली है मज़ेदार। और बस अब बेड पे यहाँ पे आराम करना है, अगले 3-4 दिन यहीं पे काटने हैं एंजॉय करते हुए। मौसम खराब होने की वजह से लगभग 3 बजे चलने वाली शिप 2 घंटे बाद शाम 5 बजे चली और शुरुआत हो गई लक्षद्वीप के समुद्री सफर की। तो हमारी जो नाव है, बड़ी सी शिप, वो चल चुकी है और इस टाइम बहुत ही स्पीड में है। मौसम अब बहुत ही प्यारा लग रहा है और एक बड़ी सी शिप जा रही है, मैं वहां पहुंचता हूँ फटाफट। भाग रही है दोनों शिप। अगले दिन की सुबह 11 बजे मैं यहाँ के मिनिकॉय आइलैंड पर पहुंच गया। सुबह लगभग 11:30 बजे मैं पहुंच चुका हूँ मिनिकॉय में और ये रही शिप अपनी। काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी जो पैसेंजर्स हैं, जो लोकल्स हैं, वो यहाँ पे उतर गए हैं और मैं अब यहाँ मिनिकॉय विजिट करूँगा, देखते हैं क्या क्या होता है। लक्षद्वीप के लगभग सभी आइलैंड्स पर ऑटो तो चलती है, पर मिनिकॉय आइलैंड में हमारा ट्रांसफर देसी स्टाइल के ट्रांसपोर्टेशन से हुआ। मिनिकॉय आइलैंड पर पहुंचने पर हम लोग का ट्रांसफर हो रहा है, इस गाड़ी के थ्रू ओपन है और आराम से आप नज़ारे देखते हुए आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको ट्रीज दिख रही है, कोकोनट ट्रीज हर तरफ है, काफ़ी खूबसूरत लगेगा। मिनिकॉय आइलैंड पर सबसे पहले पहुंचे यहाँ के रिजॉर्ट में, जहाँ का नीला समुंदर और वाइट सैंड बीच आपको मालदीव से किसी भी मायने में कम नहीं दिखेंगे। मिनिकॉय आइलैंड पर अब होगी यहाँ पर कायकिंग एक्टिविटी और भी कई सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप कर सकते हैं, बाकी इसमें काफ़ी मज़ा आएगा आपको। और जो आप कलर देख रहे होंगे पानी का, वो तो बताने लायक नहीं है, आपको अंदर तक दिख रहा होगा सब कुछ। लंच का टाइम हो गया था और यहाँ पर खाने में दाल रोटी सांबर आलू बैगन राइस और स्वीट्स था, जो कि बहुत ही नॉर्मल टेस्ट वाला फूड था, जबकि नॉन वेजिटेरियंस के लिए यहाँ चिकन था।
तो मैं तैयार हो चुका हूँ, लाइफ जैकेट पहन चुका हूँ और केकिंग करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं भी नाव चलाऊँगा, चप्पू चलाऊँगा और सनग्लासेस बहुत रख लें, बहुत नहीं मतलब एक ही रख लें अपने लिए, दो तीन रख लें, स्टाइल आता है और उसके साथ ही साथ बचाव होता है आपका। ये जो रेत होती है ना वाइट सैंड, इससे बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो आँखें आपकी चौंधिया आ जाएंगी, चमक बहुत आती है तो शायद आपको हेडेक वगैरह हो जाए, इसलिए सनग्लासेस ज़रूर रखें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी यहाँ पे अभी जाऊँगा शूज़ वगैरह उतार के, फिर उसके बाद उड़ना नहीं है तैरना है। यहाँ पर कायाकिंग की एक्टिविटी समुद्रम पैकेज में कॉम्प्लीमेंट्री फ्री थी और इसके अलावा अगर कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके अलग अलग चार्जेस हैं। तो कायाकिंग राइड पे मैं आ चुका हूँ और आसिफ मेरे को ये नौका विहार करवा रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार है। और चप्पू मैं नहीं चला रहा हूँ, चप्पू चला रहे हैं ये। मज़ा आ रहा है आपको? ये इनका तो रोज का है, मेरा तो आज का पहली बार है। मज़ेदार है इस वाइट पूरे नीले नीले पानी में और वाइट सैंड में, बहुत ही मज़ा आएगा और आप इनके साथ ज़रूर करिएगा राइड। Are you enjoying? Super. हम क्रैश होने वाले हैं। अच्छा कब से चला रहे हो आप? बचपन से इधर ही। बचपन से इधर ही हो? तो इधर तो मजा आता है रहने में। तो कभी उधर आया है अपनी तरफ कोची? इधर एक अच्छा अच्छा मूवी देखने के लिए कोची जाना पड़ता है। अरे बाप रे बाप, अच्छा तब स्टडी वगैरह किया है? अच्छा प्लस टू तक है, उसके बाद कोचिंग? ओके ओके ग्रेट। तो राइड मेरी हो चुकी है और काफ़ी मज़ेदार रही। मेरे पैंट पीछे पूरी तरह गीली हो चुकी है पर ये अब छोड़ दिया है ऊपर वाले के भरोसे, क्योंकि धूप सुखाएगी तो वही ऊपर वाले के भरोसे ही तो है। अगर आप लक्षद्वीप या कहीं भी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो किसी भी प्लेस की आइटिनरी, बजट, वीजा, टिकट्स, पैकेज बनवाने या किसी भी तरह की ट्रैवलिंग से रिलेटेड ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप 99 रुपीज में ये सर्विस हमसे ले सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है। इसके बाद हम मिनिकॉय आइलैंड के लाइट हाउस पर पहुंचे। अभी मैं आ चुका हूं मिनिकॉय लाइट हाउस में, जो कि मेरे ठीक सामने है, खूब बड़ा सा और काफी सुंदर सा लग रहा है। और मैं इसको आपको दिखाता हूं ड्रोन शॉट के थ्रू। तो सीढ़ियों के थ्रू मैं जा रहा हूँ टावर में सबसे ऊपर की तरफ, जहाँ से समुद्र का नज़ारा दिखेगा। और थोड़ी थकावट तो आपको होगी चढ़ने में, पर इतना भी ज़्यादा नहीं। तो लाइट हाउस में मैं ऊपर की तरफ पहुँच गया हूँ और जैसे ही मैं इधर आगे बढ़ूँगा तेज से आएगी, जैसे आप सुन रहे होंगे, और यहाँ से आप बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा देख पाएंगे। लाइट हाउस के अगर इस तरफ आप देखेंगे तो इधर आपको जो सी दिखाएगा वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा, जबकि अगर आप इधर साइड देखते हैं तो इधर आपको वो ब्लू वाला कलर दिखाई देगा, और जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है और डिफरेंस साफ दिखता है यहाँ पर। और काफ़ी ऊंचाई से यहाँ पर अगर थोड़ा भी आगे आप जैसे यहाँ बढ़ते हैं तो हवा एकदम से आपको बहुत तेज़ से लगेगी, अमेजिंग लगेगा आपको। आप कलर देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लैक है और अगर इधर जाते हैं तो इधर आप देखिए, ये रहा ब्लैक, ये रहा पूरा एकदम स्काई ब्लू वाला कलर।
कब बने हैं मेरे 1885 मतलब 100 साल से ज़्यादा पुराने 136 ईयर के पहले से ये बने हैं। और वो एक छोटी सी लाइट केवल लगी हुई है उसी से ये चलता है, उसी से ज़्यादा है। केवल 150 वोल्ट उसके तीन बल्ब है। अच्छा, एक बल्ब में 150 वोल्ट है। अच्छा, क्योंकि ये इसका एक फ्लैश है ना, एवरी 15 सेकंड्स विल सीन वन फ्लैश, सिंगल फ्लैश। इसका लेंथ तो 16 नॉटिकल मील पे आपको दिख जाएगा। ये लाइट ना कभी भी ऑफ नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग ने ये लगाया था, बैटरी लगा रखा है। अच्छा, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जनरेटर स्टार्ट करने तक तो ये बैटरी स्टार्ट हो जाएगा। पर्पस क्या होता है इसका तो सिर्फ क्योंकि ये 9 डिग्री चैनल है। हाँ, इसकी वजह से, क्योंकि हर रोज तो जहाज फॉरेन गोइंग जहाज यहाँ से गुजरते हैं। अच्छा, उसके लिए ये लाइट हाउस बनाया था। अच्छा, ताकि नाइट में पता चल सके कि यहाँ पे आइलैंड है, यहाँ पे एक आइलैंड है। अच्छा, लक्षद्वीप के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और भी कुछ आइलैंड्स के साथ यहाँ की आइटनरी, बजट, वाटर स्पोर्ट्स के साथ आप सस्ते में यहाँ कैसे घूम सकते हैं ये भी बताऊंगा। तो अगला पार्ट देखना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें।